रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 6 टाइम्स 9382। वो कह रहे हैं कि अगर 9382 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है 9682 को हम लिखेंगे ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, और 6 को उसके यूनिट के नीचे यूनिट को लिखेंगे। तो हम पहले देखते हैं करके, 6 2 12, यहाँ हम 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 1 हमारा ऊपर कैरी चला गया। 6 8 48, और इसमें 1 ऐड कर देंगे, 49 लिखेंगे और 4 ऊपर कैरी चला जाएगा। 6 3 18 19 20 21 एंड 22, यहाँ पे आप लिख देंगे 2 और 2 पर कैरी चला जाएगा। 6 9 are 54, 54 में आप 2 ऐड करें, 54 55 एंड 56, यहाँ पे आप लिख देंगे 5 और यहाँ इसके नीचे लिख देंगे 6। तो हमारे पास आया 56,292। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7,604। प्रोडक्ट भी हम मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, और हमारा प्रोडक्ट हमने निकालना है यानी मल्टीप्लाई करना है उसको। 4 0 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
मल्टीप्लाई होगी तो वो मुकम्मल जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके नीचे ये वाली वैल्यू हमारी सॉल्व होगी, इसके नीचे हम एक क्रॉस लगाएंगे तो फिर नेक्स्ट वैल्यू भी हमारे पास जीरो है। 04 ज़ार 0, 00 ज़ार 0, 06 ज़ार 0, 07 ज़ार 0, ये वाली वैल्यू भी सॉल्व होगी। यहाँ पे हम एक और क्रॉस लगाएंगे, दो क्रॉस, 41 ज़ार 4, 10 ज़ार 0, 16 ज़ार 6, 17 ज़ार 7, 0 0 4 0 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 3143, 03 ज़ार 0, 04 ज़ार 0, 01 ज़ार 0, 03 ज़ार 0, क्रॉस लगाएंगे। 5 3 ज़ार 15, 5 लिख देंगे, 1 ऊपर कैरी। 5 4 ज़ार 20, 20 में 1 ऐड करेंगे, 21, 1 लिख देंगे, 2 ऊपर कैरी चला गया। 5 1 ज़ार 5, 6 एंड 7। 5 3 ज़ार 15, आगे कोई वैल्यू नहीं इसलिए हम 15 को पूरा लिख देंगे। 0, 5 में 0 ऐड करें, 5, 0 में 1 ऐड करें, 1, 7 में 0 ऐड करें, 7, और 5 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर भी कोई नहीं, इसलिए हम इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो लोग वो करेंगे आप लोग अपनी नोटबुक्स में खुद ही, ताकि आप लोगों को करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर है 26। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 9705 एंड 67। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। 7 5 ज़ार 35, 5 लिख देंगे आप और 3 ऊपर कैरी चला जाएगा। 7 0 ज़ार 0, 0 में 3 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 7 7 ज़ार 49, 9 लिख देंगे एंड 4 ऊपर कैरी। 9 7 ज़ार 63, 67 68, 69 एंड 70। 9 7 ज़ार 63, 64 65 66 67, ठीक है, 67 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू सॉल्व होगी इसलिए हम इसके नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब 6 5 ज़ार 30, 0 लिख देंगे, 3 अगेन कैरी। 6 0 ज़ार 0, 0 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 6 7 ज़ार 42, 2 लिख देंगे और 4 इसके पास कैरी चला जाएगा। 9 6 ज़ार 54, 55, 56, 57, 58, 58,
हम इसको अब ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लोग एडिशन का साइन लगाएंगे, फाइव के नीचे कोई वैल्यू नहीं, फाइव ऐसे ही आ जाएगा। थ्री में जीरो ऐड करेंगे थ्री आ जाएगा, नाइन में थ्री ऐड करेंगे ट्वेल्व हो जाएगा, नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व टू लिख देंगे, वन ऊपर कैरी। सेवन में थ्री ऐड करेंगे तो टेन हो जाएगा, वन ऊपर कैरी चला गया। एट नाइन, सिक्स और ऐड करें टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फाइव लिख देंगे और वन ऊपर कैरी चला जाएगा और सिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6820 बाय 95। ये क्वेश्चन भी आप लोग अपनी नोटबुक्स में खुद सॉल्व करेंगे और देन इसको आंसर आप चेक करेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स, हम आप इसको देखते हैं। पहले हम इसको बुक में से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। देयर आर 57 चिल्ड्रन इन अ क्लास, ईच चाइल्ड हैज़ अ पैकेट ऑफ